इंग्वाइनल और अम्बिलिकल हर्निया के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं, पेन काफी कम होता है और रिकवरी काफी फास्ट होती है। ऐसे सारे मरीज जिनको इंग्वाइनल और अम्बिलिकल हर्निया है और ऑपरेशन के बाद पेन और रिकवरी के डर की वजह से वो ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ने से झिझक रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि इंग्वाइनल और अम्बिलिकल हर्निया के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ज़्यादा जोखिम वाले नहीं होते हैं और ऑपरेशन के बाद का रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होता है। हमारे सारे पेशेंट्स ऑपरेशन के 3-4 घंटे के बाद ही खुद से चल फिर पाते हैं, पेन भी ज़्यादा नहीं होता है, जो कि पेन किलर टैबलेट से ही कंट्रोल में आ जाते हैं। ज़्यादातर मरीजों को हम दूसरे ही दिन छुट्टी दे पाते हैं और पेन किलर टैबलेट्स की भी ज़रूरत ज़्यादातर मरीजों में 2-3 दिन की ही होती है। चलने फिरने की सीढ़ियाँ चढ़ने की इजाज़त तो हमारी तरफ से ऑपरेशन के पहले ही दिन से होती है और ज़्यादातर मरीजों को 2-3 दिन में जब भी वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो ऑफिस वर्क या रूटीन हाउस होल्ड वर्क करने की हमारी तरफ से छूट होती है। ये ज़रूर है कि ऑपरेशन के शुरुआत के 3 महीने के लिए ज़्यादा भारी वजन ना उठाए, पेट पे जोर आए, ऐसी एक्सरसाइज ना करे, ऐसे काम ना करे, वो हमारी तरफ से एडवाइस रहती है। पर इस प्रकार के ऑपरेशन के बाद हर्निया फिर से ना हो उसके लिए कोई परमानेंट एक्टिविटी के रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं। काफ़ी सारे मरीजों में ये भी कन्फ्यूजन होता है कि ओपन ऑपरेशन करवाएं या लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करवाएं, तो मेरी ये एडवाइस रहती है कि लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन ओपन ऑपरेशन की कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है पेन और रिकवरी के मामलों में, और इसीलिए कुछ चुनिंदा मरीजों में जिनमें जनरल एनेस्थेशिया का जोखिम होता है उनके अलावा बाकी सारे मरीजों को हमारी लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के लिए सलाह रहती है। मरीजों में जाली के इन्फेक्शन का और हर्निया फिर से ना होने का भी एक डर रहता है। अगर आपका हर्निया बहुत ही बड़ा ना हो और अगर हम अच्छे से सही तरीके से ये ऑपरेशन करते हैं तो हर्निया फिर से नहीं होते हैं। ऑपरेशन के दौरान अगर हम बेसिक ध्यान अच्छे से रखते हैं तो जाली का इन्फेक्शन भी नहीं होता है। हमारे पिछले 15 साल की प्रैक्टिस में हम मरीजों में कभी भी ऑपरेशन के बाद इवन एक भी एंटीबायोटिक के टैबलेट नहीं देते हैं और फिर भी हम किसी मरीज में जाली का इन्फेक्शन नहीं देखते हैं, तो जाली के इन्फेक्शन का जो कोई डर है आपके मन में तो वो भी आपको नहीं रखना चाहिए। मैं कहूँगा कि अगर आपको इंग्वाइनल हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया है और आपको ऑपरेशन का डर है तो आपको डर नहीं रखना चाहिए। अच्छी तरह से ऑपरेशन के बारे में सोच समझकर आपको अपने समय पे अपनी सुविधा के हिसाब से ऑपरेशन प्लान करना चाहिए।